निधि के प्रीता के साथ करण को जान से मारने की असली सच्चाई आ गई ऋषभ के सामने और पलकी ने मार दिया शौर्य को तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि करण को वीडियो कॉलिंग में देखेगी और प्रीता को जान से मारने वाले अपने आदमी को कहेगी कि ये तो करण है, इसका मतलब कि करण ने प्रीता को देख लिया है, करण को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम अभी के अभी करण के सामने प्रीता को मार दो। तभी यह सुनकर प्रीता को मारने वाला निधि का आदमी कहेगा कि अब मैं नहीं मार सकता प्रीता को, उसके आशिक यानी कि तुम्हारे करण के सर पर भूत सवार हो गया है, उसने मुझ पर प्रीता को बचाने के लिए बहुत सारे हमले किए हैं, इसलिए निधि मैडम मुझे माफ करना, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है। यह निधि को कहकर निधि का आदमी फोन रख देगा, जहां पर जब निधि अपने कमरे की ओर जारी होगी और ऋषभ राजवी को लेकर अपने डैड के साथ लूथरा हाउस में आएगा और निधि के उड़े हुए चेहरे के रंग को देखेगा, तभी ऋषभ को निधि के अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होगा। जहाँ पर जब ऋषभ के सामने से निधि जा रही होगी तभी ऋषभ निधि को रोकेगा और निधि को कहेगा कि रुको निधि, तुम इस तरह ऐसे कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता नहीं कि घर में क्या क्या हो रहा है और तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है, आज तक इतनी सारी प्रॉब्लम हमारी फैमिलीज में आई लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी, लेकिन आज निधि ऐसा क्या हो गया है, तुमने आज किसको देख लिया है। जिसे सुनकर निधि कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषभ कहेगा कि कहीं तुमने प्रीता जी को नहीं देख लिया। ये प्रीता का नाम सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ को एहसास हो जाएगा कि निधि ने प्रीता को देख लिया है, जिस वजह से जब ऋषभ निधि को कहेगा कि कोई बात नहीं निधि, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, बस शौर्य को इस बार आखिरी बार समझा देना कि आगे से उससे कोई भी गलती ना हो, वरना इस घर में मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। यह सुनकर जब निधि गुस्से से हाँ कहेगी और ताना मारती हुई कहेगी कि मैं ही तो हूँ शौर्य को समझाने वाली, कहाँ से वो प्रीता आएगी जो शौर्य को समझाएगी कि ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, शौर्य को बचपन से सिर्फ मैंने पाला है। यह निधि के मुँह से प्रीता का नाम सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ कहेगा कि मैंने तो प्रीता जी की बात कि तुम ऐसे कैसे प्रीता जी के बारे में बोल सकती हो, कहीं स्टोर रूम में किचन में लगी हुई आग को तुमने ही तो नहीं लगवाया, और वैसे भी अभी करण नहीं दिख रहा, कहीं तुमने तो करण प्रीता को मारने के लिए तो नहीं छोड़ दिया। यह सुनकर निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ को ऐसा सो जाएगा कि करण की जान पर खतरा आया है। और लेकिन जब राजवीर ऋषभ से परमिशन मांग कर लूथा हाउस से चला जाएगा और पलकी लूथा हाउस से अपने घर आधी रात को जा रही होगी, तभी शौर्य और शौर्य का दोस्त पलकी के पास आएंगे और पलकी को पीछे से शौर्य कहेगा कि ओ झुमकी वाली, तुमने मेरे पूरे परिवार को सबके सामने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हारी किडनैपिंग मैंने करवाई थी और मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद करके रखा था। जिसे सुनकर निधि कहेगी शौर्य तुमने हमें क्या समझ के रखा है, हम कोई बेवकूफ नहीं है, जो तुम मेरी किडनैपिंग किसी और के साथ करवाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी किडनैपिंग किसने की है। यह सुनकर शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा और पलकी के सामने से अपना मुंह घुमा लेगा और जब पलकी शौर्य के सामने से जा रही होगी तभी पीछे से शौर्य पलकी को रोकने के लिए अपना बदला लेने के लिए पलकी का जोर से हाथ पकड़ेगा और तभी गुस्से से पलकी पलटकर शौर्य को जोर से तमाचा मार देगी और शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य गुस्से से पलकी को कहेगा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमाचा मारने की। यह सुनकर शौर्य को हाथ उठाते हुए पलकी को काफी बड़ा शॉक लगेगा और लेकिन निधि की असली सच्चाई ऋषभ और पूरे परिवार के सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आप आगे पलकी की जोड़ी किसके साथ बनते हुए देखना चाहते हैं, शौर्य के साथ या फिर राजवीर के साथ, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, करण प्रीता की या फिर पलकी राजवीर की, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।